नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं कुछ उत्तराखंड से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आने वाले परीक्षाओं में आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। इससे पहले मेरा पार्ट वन जिसमें मैंने 17 क्वेश्चन क्लियर करे थे, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 18वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस शहर को पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है। तो पहाड़ों की रानी के नाम से मसूरी को जाना जाता है, तो राइट आंसर है मसूरी। 19वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में लीची नगर के नाम से प्रख्यात है, तो देहरादून है इसका राइट आंसर। उसके बाद है 20वां, उत्तराखंड में छोटा कस्बे के नाम से प्रख्यात है। तो ये पहले जो पार्ट वन था उसमें भी आ चुका था और इसमें भी आया है, तो इसका राइट आंसर है पिथौरागढ़। 21वां है, उत्तराखंड में झीलों का नगर नाम से प्रख्यात है, तो झीलों के नगर के नाम से नैनीताल है। 22वां है, उत्तराखंड राज्य में दुग्ध या दूध उत्पादों को किस नाम से बेचा जाता है। तो जितने भी मिल्क प्रोडक्ट हैं उत्तराखंड में, वह आंचल नाम से बेचे जाते हैं। 23वां है, उत्तराखंड में वनों की नीलामी के लिए किस वर्ष आंदोलन किया गया था, तो 1977 में किया गया था। 24वां है, उत्तराखंड के अंतिम राजा कौन थे, तो प्रद्युम्न शाह थे। अंतिम राजा उत्तराखंड के प्रद्युम्न शाह। 25वां है, चंद्र राजाओं का राज्य चिन्ह था, तो क्या था, गाय था। उसके बाद 26वां है, गोपेश्वर के त्रिशूल पर अंकित लेख में किस शासक की बीजों का उल्लेख मिलता है या वर्णन है, तो अशोक चल हैं, तो राजा कौन है, अशोक चल, जिसमें उनके बीजों का वर्णन मिलता है। 27वां है, किस वर्ष कुमाऊं का गोरखा साम्राज्य में विलय हुआ था, तो 1790 में हुआ था। कब हुआ था, 1790 में। 28वां है, कुमाऊं विश्वविद्यालय का स्थापना वर्ष था, कुमाऊं यूनिवर्सिटी की बात कर रहा है, तो 1973 है। 29वां है, उत्तराखंड में गांधी जी ने देहरादून की यात्रा किस वर्ष की थी, तो उत्तराखंड में गांधी जी ने जो यात्रा करी थी 1916 में करी थी, 1916 में। 30वां है, उत्तराखंड राज्य को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली आपदा कौन सी है, तो उत्तराखंड में देखा होगा कि आए दिन बाढ़ आते रहती है, तो बाढ़ या और भूस्खलन से उत्तराखंड को बहुत अधिक हानि होती है, तो इसका राइट आंसर है भूस्खलन व बाढ़। 31 है, उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट या जिला उत्तरकाशी है, जिसका जो एरिया है वह 8016 किलोमीटर स्क्वायर है। तो इस प्रकार से 31 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं या कवर करे हैं। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने 17 क्वेश्चन क्लियर करे थे और इसमें 31 कवर हो चुके हैं। तो उत्तराखंड से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम आएंगे तो उसमें यह आपके लिए सहायक होंगे। वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।